चलते अंदर, ये भी मजे ले रहा है। गाइस अभी थोड़ा देर के बाद हम भी आएंगे गाइस अंदर, हम भाई से मिलने, भाई की सेटिंग कराने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज दिन है ट्यूसडे, मैं फाइनली अभी तो जॉब से आ चुका हूँ और बहन अभी सो रही है, तो ट्यूसडे है तो आज तो पार्लर ऑफ रहेगा इसका। और माता जी भी एकदम खाली लेटी हुई हैं ये भी, तो जल्दी जल्दी पहले नहा धो के रेडी हो जाते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं आज कहीं घूमने चलेंगे परिवार को लेकर के, बहन को माता जी को। तो पहले मैं रेडी हो जाऊँ, नहा धो के पूजा पाठ कर लूँ, तभी डिसाइड करते बैठ करके कि क्या करना है, कहाँ चलना है। तो फाइनली गाइस, मैं बिल्कुल नहा धो के खा पी के हर तरीके से बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज हम लोग जो है जाएंगे राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, जिसे आप हाथी वाला पार्क, मायावती पार्क या बहुत सारे नामों से जानते हैं, ग्रीन पार्क। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मैं और बहन ही जाएंगे क्योंकि माता जी का तबीयत ख़राब है। तो ये भी बहन, ये भी रेडी हो चुकी है, रेड मैं भी और रेड ये भी, देख लो लाल लाल हो चुके हैं दोनों भाई बहन। तो फाइनली निकले अब हम लोग, तो हेलो तो कर दे एक बार। तो अब हम लोग निकल रहे हैं सीधा राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल। तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, रास्ते में ही है, रास्ते में हमें दिख गए फिर वापस से बहुत सारे कबूतर, तो वहां पे रुके हुए हैं पीछे हम लोगों के, देख लो कितना झुंड है। तो चलते हैं, थोड़ा दाना वाना इनको डालते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे पार्क के लिए। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे आ चुके हम लोग और माइक भी खराब हो चुका है यार, बहुत देर से कनेक्ट कर रहा हूँ, अब ध्यान दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये चार्ज वार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं हो पाया है सही से। तो यार अब मुझे नहीं लगता आवाज़ उतना क्लियर आप लोगों को तक पहुंचेगी। चलते अब दाना लेकर के दाना डालते हैं। अभी जो है बहन जा रही है दाना लेकर के, दाना डालने के लिए। और कबूतरों तो यहाँ पे मुझे लगता लाखों में है, बहुत कबूतर है यार यहाँ पे। और माइक भी मेरा ख़राब हो चुका है, पता नहीं कैसा आवाज़ आप लोगों को आ रहा होगा, इससे भी एक कन्फ्यूजन ही है यार। और यहाँ पे देखो कितने कबूतर है, देखो और आसमान में भी सिर्फ कबूतर ही कबूतर है यहाँ पे, चारों तरफ जिधर देखो कबूतर ही कबूतर। मजा आ रहा है यार यहाँ पे वैसे। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। ये लुक है यहाँ का, अगर आप आते रास्ते दलित प्रेरणा स्थल के रास्ते में पड़ता है, आप भी दाना वाना डाल के जाना, फटाफट पहुँचते पार्क पे। तो फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल। और ये जो है पार्किंग है यहाँ का, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है, यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता। और ये है यहाँ पे अंदर जाने के लिए थोड़ा आगे गेट है। अभी हम लोग पहले कचौड़ी खाएंगे, उसके बाद अंदर के लिए घुसेंगे, जो कचौड़ी वाले भाई थे अपने, पहले कचौड़ी खाते हैं तब अंदर चलते हैं, टिकट विकट लेकर के अब सीधा अंदर मिलेंगे आपसे। तो फाइनली गाइस, कचौड़ी खा ली है, ये बच्चा हम लोगों को देख रहा था बड़े प्यार से, तो मैंने पूछा कचौड़ी खाने को, तो मना कर रहा है। तो इससे हम पानी खरीदेंगे क्योंकि पानी बेच रहा है, देख रहा है, इतना मासूम से देख रहा था कि अजीब सा लगा थोड़ा, तो पहले हम इससे पानी खरीदते हैं, एक बोतल पानी दे दो। आते ही पहले इसने हमसे यही पूछा था कि पानी पी लो भैया या पानी ले लो, पहले हम इससे पानी लेते हैं, ये भी खुश हो जाएगा कि इसकी भी कुछ आमदनी हो जाएगी। अब ठीक है, कचौड़ी तो खाए नहीं तूने ऐसे, अब खुश है, इधर तो देख यार खुश है ना।
ले लिया इससे पानी, ये भी खुश हो गया, थोड़ा मुंह बना रखा था इसने पानी के लिए बुलाया, हम लोग नहीं लिए कचौड़ी खाने लगे तो अब ये भी खुश हो गया, हैप्पी हो गया। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे लिया है गुलाब और चलते हैं अंदर, देखते ही है मेरे शैतानी क्या होता है, शैतानी तो जानते ही हो, कोई मिल गया तो दे दिया जाएगा, बाकी अंदर चल कर डिसाइड करेंगे किसको देना है क्या देना है। उनसे गुलाब ले लिया हमने, चले दी अंदर, कोई लड़की देखेंगे अच्छा। तो चलते अंदर, ये भी मजे ले रहा है गाइस, अभी थोड़ा देर के बाद हम भी आएंगे गाइस अंदर में, भाई से मिले, भाई की सेटिंग कराने। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो फाइनली गाइस अब हम आ चुके हैं इसके अंदर, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, जिसको आप हाथी वाला पार्क, मायावती पार्क बहुत सारे नामों से जानते हैं, ग्रीन पार्क। अब इसके कुछ लुक दिखाएंगे यहाँ पे और कुछ टिकटोकर जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एनी टाइम आओगे तो वीडियो वगैरह शूट होती रहती है, वीडियो बनती रहती है, ब्लॉग, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटोकर बहुत मिलने वाले हैं। तो चलते आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अभी शेयर करेंगे हम लोग। तो गाइस ये जो देख रहे हो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का हाथिया है, 10 इस साइड है और बीच में ये है और 10 जस्ट इसके उस साइड है, वो देखो 10 उस साइड है कि जस्ट हाथियों के पीछे हमें फाउंटेन नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे भी कुछ मस्ती करते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इसमें फवारे ववारे कुछ भी नहीं चल रहे थे, वैसे ही सूखा पड़ा था, देखते हैं चल के कि आज उसमें कुछ चल रहा है या नहीं। तो चलते हम सीधा फाउंटेन के पास, देख लो यहाँ का बहुत फेमस है फाउंटेन, तो पहुँचते हैं उसके पास। तो फाइनली गाइस अब हम पहुँचने वाले फाउंटेन के पास, बहन आगे आगे जा रही है, देख लो, मुझे लग रहा है आज भी ये फाउंटेन सूखा ही पड़ा हुआ है, और ये मेरे को लगता है कि आगे भी अभी कुछ साल सूखा ही चलेगा जब तक मायावती की सरकार नहीं आएगी। बात तो सही है। चलते पास चल के देखते हैं क्या स्थिति है। वैसे रील्स वील्स के लिए बहुत अच्छा पार्क है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं रील्स के लिए, अगर आप संडे को आते हो तो यहाँ पे इतना भीड़ दिखेगा कि आप खुद चौंक जाओगे कि कहाँ से इतनी, नोएडा में भी पब्लिक है। तो ये हम लोग भी रहे और ये गुलाब देने के लिए कोई मिल नहीं रही है, तो देखते हैं कोई मिलती है तो उसको भी दे देंगे। बहन मुस्कुरा रही है, मेरे कारनामे ही ऐसे होते हैं, ये लुक देख लो यहाँ के, तो कोई मिलती है बढ़िया सी तो दे देंगे साला गुलाब, आज चिपका देंगे, टेंशन नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बहन है साथ में, सब निपट जाएगा आज। तो चलते अभी और देखते हैं कुछ अच्छी चीज़ें, हंस रही है बहन भी कह रहा हूँ तो। और ये ग्रीन पार्क की हरियाली है, देख लो कितना हरा हरा हर चीज़ है, इसीलिए इसका नाम ग्रीन पार्क से भी जाना जाता है नोएडा में। ये यहाँ का रील्स देख लो, बंदे यहाँ पे यही करने आते हैं, रील्स वील्स बनाने के लिए आते हैं, काफी अच्छा डांस कर रहे हैं आप। फाइनली गाइस अब चलते हम लोग इमारत पे, बहन कह रही इमारत पे जाने के लिए, देखते हैं उस पे क्या चल रहा है अभी, आज उतना भीड़ नहीं है इस पार्क में। तो फाइनली गाइस अब हम लोग आ चुके हैं ऊपर भी, और इस पे भी कुछ खास नहीं है क्योंकि ये मेन जो है बंद पड़ा हुआ है, और इस पे कोई ज़्यादा आज भीड़ भी नहीं है, संडे नहीं है ना, आज ट्यूजडे है, संडे को इसमें इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, आज ट्यूजडे है तो उतना भीड़ नहीं है, ये तो रील्स वील्स वालों की तो यहाँ पर लाइन लगी रहती है। ये देख लो इमारत बंद है अभी, और मैं लास्ट टाइम आया था तब भी बंद ही था क्योंकि इस पर अभी काम चल रहा है। और ये इमारत का कुछ लुक ऐसा है, और एक फाउंटेन अभी उस साइड भी है सेम वैसा ही, तो वहाँ पे भी चलेंगे। तो वैसे इसके ऊपर कुछ खास देखने को नहीं मिला, यही है जो है यहाँ पे फाउंटेन वगैरह ही मेन है यहाँ पे, ये देख लो ये लुक है ग्रीन पार्क का हमारे, हाथी वाला पार्क, ग्रीन पार्क, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, जो भी है बहुत सारे नाम है इसके, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ये इसका लुक है यहाँ का। अभी हम लोग इमारत पे ही हैं और चलते हैं अब दूसरे फाउंटेन की तरफ भी जल्दी से। तो गाइस ये है दूसरी तरफ की हाथिया जो देख रहे हो आप, और इसके पीछे तो जो वो फाउंटेन दिख रहा है वहाँ पे भी चलते हैं। तो फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं हम दूसरे फाउंटेन के भी करीब, और हमने सोचा थोड़ा सा दूर से भी शूट कर लें क्योंकि वहाँ पे शूट नहीं किए हैं शायद,
तो ये दिखा दे कि ये कैसा फाउंटेन है, बहुत बढ़िया फाउंटेन है। और जस्ट ये जो पीछे देख रहे हो हमारे, यहीं पे टिकटॉकर्स वगैरह या इंस्टाग्राम रील्स जो भी बनता है ज़्यादातर यहीं पे बनाते बंदे आकर के लोग। चलते इसके ऊपर भी अब। तो फाइनली गाइस अभी आ चुके हम दूसरे फाउंटेन की तरफ, ये देख लो। और ये भी सूखा ही पड़ा हुआ फाउंटेन, लेकिन ये बहुत अच्छा फाउंटेन है। यहाँ पे टिकटॉकर्स इंस्टाग्राम रील्स वगैरह जितने भी बंदे होते हैं ज़्यादातर नोएडा के या दिल्ली के या गाज़ियाबाद के, मतलब NCR के बंदे यहीं आते हैं रील्स वगैरह बनाने के लिए। ये पीछे जो देख रहे हो आप मेरे, ये देख लो इमारत अब वहाँ पे है। उसके पीछे जस्ट एक और फाउंटेन है और एक येरा फाउंटेन, दो फाउंटेन है पूरे इस पार्क में। और एक इमारत है जो कि बहुत फेमस पार्क है। ये हमारी बहन रही बैठी हुई, अब इसका भी इंटरव्यू लेते हैं जैसे और लोगों का लेते हैं। तो फाइनली गाइस अब बहन से पूछते हैं कैसा लगा ये पार्क, कैसा लगा ये पार्क? बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी आइए एंजॉय करिए, अच्छा है काफ़ी। कौन सी लगे अच्छा आया है? तो यहाँ पे फैमिली के साथ आओ या गर्लफ्रेंड के साथ आओ या दोस्त के साथ आओ, भाई के साथ आओ, बहन के साथ आओ, मैं तो बहन के साथ ही आया हूँ, किसी के भी साथ आ सकते हो, कोई मना नहीं है, कोई कैसा भी नहीं है। बहुत अच्छा पार्क है, आप यहाँ पे आकर के पिकनिक वगैरह पार्टी वगैरह भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आप आते हो तो मन खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, ऐसा पार्क है। बस ये फाउंटेन चलता रहता ना तो और गजब लगता, लेकिन इतने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ आते हो तो मज़ा फुल आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इतने रील्स वगैरह देखने करने को आपको अलग अलग तरह के मिलेंगे, अलग अलग तरह के बंदे मिलेंगे, लड़के लड़के हर तरह के लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आते हो तो फुल एंजॉय मिलेगा। तो गाइस अब ये गुलाब लगता है कि घर ही ले जाना पड़ेगा, कोई देने वाली मिली नहीं देने लायक, तो अब इस गुलाब को अब लेकर के घर ही चलते हैं। और ये जो है गाइस दूसरे साइड का नज़ारा है ग्रीन पार्क का, ग्रीनली ये पूरा इस पार्क में बहुत मस्त पार्क है यार। अगर आप फैमिली के साथ आते हो ना तो मज़ा आता है इसमें, इसीलिए मैं अपनी बहन को लेकर आया, माता जी को भी लेकर आने वाला था बताया ही आपको, लेकिन उनका तबीयत ख़राब हो गया, नहीं तो उनको भी आज यहीं पर घुमाया होता ला करके। तो ठीक है गाइस, जितना भी था इस पार्क में जैसा भी था हमने आपको घुमा दिया राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और यहाँ से खा पी के बाहर निकलेंगे और खाते पीते निकल जाएंगे घर को। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ना पसंद आई हो तो भी आज लाइक करके जाना आप लोग। और चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही नहीं है, अरे कर दो यार, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, तबाह कर लाइक और शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे निकला।